नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो वर्तमान में कौन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, HSSC हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके अंदर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सितंबर तक कवर किया है, तो इनको आपको बिल्कुल रट लेना है। ये वीडियो कम से कम 8-10 मिनट का होने वाला है, तो इसको अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, किस प्रकार से लग रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किनको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष पहले सुमित्रा महाजन थी और अब की बार ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। ओम बिरला राजस्थान कोटा से हैं, इनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, या बोल सकते हो लोकसभा स्पीकर हैं ये। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का पहला जो लोकपाल है वो न्यायमूर्ति पीसी घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश के नए गृह मंत्री की बात, होम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो अमित शाह को क्या है नया गृह मंत्री इस मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था। पिछली बार उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं था, वो जो है NDA के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत के नए गृह सचिव, होम सेक्रेटरी और यहाँ गृह मंत्री, यहाँ गृह सचिव, आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अजय कुमार भल्ला को अभी नियुक्त किया गया नया गृह सचिव। ये हैं गृह मंत्री, ये हैं गृह सचिव, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हुई है, तो वो हैं सुनील अरोड़ा। क्या नाम है उनका? सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। काफ़ी बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमारे देश के नए फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, तो फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात करें तो निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट पेश करते हैं, तो अब की बार का जो बजट है वो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के नए वित्त सचिव, अब वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और वित्त सचिव की बात करें तो उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे देश के रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास। किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। देश के नए कोयला मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? प्रहलाद जोशी क्या है? कोयला मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे देश के राज्यसभा के सभापति, देखिए राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति, और हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। देश के राज्यसभा के महासचिव की यदि बात आए तो उनका नाम है दीपक वर्मा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है, तो दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI हैं रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के अंदर टोटल जो हैं सुप्रीम कोर्ट एक है और हाई कोर्ट अभी कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के मुख्य महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका नाम है KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल भारत के क्या हैं? मुख्य महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह। क्या नाम है? करमबीर सिंह। और तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख है विपिन रावत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वह स्मृति ईरानी क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास संसाधन मंत्री या आप बोल सकते हो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो वो हैं पोखरियाल निशंक। ठीक है, पोखरियाल निशंक क्या है, HRD मिनिस्टर या बोल सकते हो आप फिर शिक्षा मंत्री हैं भारत के। हमारे देश के सोलिसिटर जनरल कौन है, तो सोलिसिटर जनरल का नाम है तुषार कुमार या तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता लिखा था ज़्यादा बार, तुषार मेहता कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें, मानव विकास संसाधन मंत्री हो गया हमारा ये क्वेश्चन 20। चलिए 21 देखिए, स्किप हो गया क्वेश्चन। देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वो है बी एस धनोआ देश के वायुसेना अध्यक्ष हैं। तीनों जो सेनाओं के बता दिए मैंने। नेक्स्ट हम बात करें UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। देखिए UPSC सबसे बड़ा IAS का एग्जाम लेता है, तो इसके जो चीफ हैं वो उनका नाम है अरविंद सक्सेना, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हम बात करें श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, तो वो है संतोष गंगवार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो है K.सिवान। क्या नाम है, K.सिवान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो से रिलेटेड भी। तो अभी कुछ और दो तीन, ये चार क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अभिनियुक्त किए गए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख अरविंद कुमार, कौन नियुक्त हुए हैं, अरविंद कुमार। और रोज हमारी एजेंसी है खुफिया रीजनल एनालिसिस विंग के नए चीफ हैं सामंत गोयल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, वार्नर ब्रदर्स कंपनी की पहली महिला CEO कौन बनी है, तो एन सरनोफ। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने कहा था कि 7 से 8 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, ताकि जो भी एग्ज़ाम दें उनमें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई, तो ये आप कमेंट करेंगे। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप इसका कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।